खैर अगे बात अगे गल करते हैं ईद की। ईद उल फितर के मौके पर अटारी बॉर्डर से भारत और पाकिस्तान के जवानों ने मिठाई एक्सचेंज करके अमन का संदेश दिता। पाकिस्तान च बुधवार को ईद मनाई गई। इस खास और पवित्र मौके पर भारतीय फौज ने भी पाकिस्तान रेंजर्स को बधाई दी है। अटारी वाघा बॉर्डर से भारत पाकिस्तान के जवानों ने एक दूजे को मिठाई देकर बधाई दी है। हर साल त्योहारा ते भारत और पाकिस्तान के जवान एक दूजे को मिठाई देकर बधाई देते हैं। इस बार भी भारतीय फौज ने पाकिस्तान रेंजर्स को मिठाई देकर ईद की मुबारकबाद दी, नाल ही अमन और शांति का पैगाम देने की भी कोशिश की है। इसमें जो मिठाई एक सिंबॉलिक जेस्चर है, बट इसका जो बड़ा मकसद यही है कि जो बॉर्डर पे पीस और ट्रैंक्विलिटी है ये मेंटेन रहे, उसको मेंटेन करने में और इसको इंश्योर करने में ये जो जेस्चर्स हैं ये काफ़ी कामयाब होते हैं, और उसी सिलसिले में ये मीटिंग की गई थी। हालांकि बीते साल इस मौके पर भारतीय फौज ने पाकिस्तान रेंजर्स को मिठाई ऑफर की थी, जिसको लैंड तो पाकिस्तान जवानों ने इनकार कर दिया। इस बार फिलहाल भारत पाकिस्तान के विचकार गलबात को लेकर पीच फंसा हुआ है, पर फिर भी इस बार पाकिस्तान रेंजर्स ने मिठाई स्वीकार कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने ईद का त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि हुण दो दिन ईद मनाई जा रही है, अज केरल ते जम्मू कश्मीर दे विच ईद मनाई गई, बाकी हिस्सों दे विच कल ईद मनाई जाएगी। सो पूरे जोर शोर नाल पूरे रौनक विखाई देंदियां ने ईद के मौके ते, अते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वधाई दिती है ईद के मौके ते। शिया भाईचारे वालों अज ईद मनाई गई है, सुन्नी भाईचारे वालों कल मनाई जाएगी। सब नूं असीं मुबारकबाद दिंदे हां ईद दी। ईद दा जिहड़ा खुशियां दा त्यौहार है, सब दे जिहड़े घर विच ओह खुशी लैके आवे। अगे वधदे हां अगली खबर दा रुख करदे हां। एक अजिही मासूम बच्ची नाल तुहानूं मिलवाउंदे आ जिस दी अनोखी जिद ने उस नूं सोशल मीडिया ते मशहूर कर दिता है। उस दी जिद नाल उस दे मापे भी परेशान ने। कनेडा दी रहण वाली मासूम सोफिया दी एक अनोखी जिद है की है, जिसनूं लैके उह इन्हीं दिनी इंटरनेट ते खासी चर्चा विच है। तुसीं भी देखो। बेबी सोफिया रो रही है, हंचू बहा रही है। कैनेडा विच रहण वाली सोफिया दी जिद भी अजिही कि उसके मम्मी पापा दियां लख कोशिशां भी कम नहीं आ रही। तुसी सोच रहे होवोगे कि प्यारी मासूम बच्ची क्यों रो रही है, तो असी तुहानू दस दईए कि ना तो यह बारबी डॉल दे रही रो रही है, ना ही इसनूं आइसक्रीम चाहिए है। बल्कि इसकी अनोखी जिद ने सब नूं हैरान कर दिया। दो वरियां दी इस बच्ची का नाम सोफिया पोपलियार है, इसके रोण का कारण है कैनेडा के रक्षा मंत्री। दरअसल कैनेडा डे के जश्न के दौरान सोफिया के माता पिता उसनूं पार्लियामेंट में लेके गए सन। सोफिया कैनेडा के रक्षा मंत्री हरजीत संजन नाल मिलना चाहती थी, पर अचानक तेज मीह की वजह नाल सोफिया के मापे पार्लियामेंट हिल तो वापस परतन लगे, पर सोफिया जोर जोर नाल रोण लगी और रक्षा मंत्री नाल मिलन की जिद कर लगी। सोफिया के पिता ने इस दौरान पूरा वीडियो बना लिया। इंटरनेट ते सोफिया दा वीडियो इन्ना पॉपुलर हो गया कि हुण रक्षा मंत्री खुद ही सोफिया नूं मिलना चाहुंदे ने। सोफिया दा वीडियो वायरल होण तों बाद रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन दे दफ्तर ने कहा कि वह जल्दी ही सोफिया नूं मिलन जाणगे। सोफिया तो ना मिल पाउण ते रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन ने भी एक वीडियो जवाब दिता है। Hi Sophia, how are you doing? I saw your touching video. I'm so sorry I missed you in Ottawa. Unfortunately, I was celebrating Canada Day with my family here in Vancouver. Looking forward to meeting you. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਖੂਬ ਹਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। Who is the Prime Minister? Justin Trudeau. The Honorable? The right Honorable Justin Trudeau. The right Honorable Justin Trudeau. Excellent. And Prime Minister Trudeau just recently announced his cabinet. Can you tell me who is the Minister for Immigration?
ਸੋਫੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਫੀਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲਗਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ। तो बड़ी प्यारी बच्ची है अर्शे है, तो उस जिद देख के बड़ी हैरानी हुई कि कोई बच्चा कोई डॉल मंगता, कोई आइसक्रीम मंगता, कोई टॉय मंगता, पर ये कह रही है कि उसने पार्लीमेंट जाना है अते अपने देश के रक्षा मंत्री नाल वो मुलाकात करना चाहती है। बिल्कुल, इस क्यूट जो जिद से उसका रक्षा मंत्री ने भी जवाब दिता, तो उम्मीद जताई कि उस नाल छेती ही मुलाकात करेंगे। खैर हुण अगे देख दिया मौसम कहा जा रहा वक् वक् शहरों के विच। हिसार और भटिंडा में पारा बढ़त बनाता दिख रहा है, जबकि दिल्ली गुड़गांव का तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दिल्ली हरियाणा ते पंजाब के शहरों में पारा फिर तो चढ़न लगा है। हिसार विच अज वत्तों वत्त तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि दिल्ली विच वत्तों वत्त तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुड़गांव विच भी पारा 35 डिग्री सेल्सियस ते रहा, जबकि चंडीगढ़ विच तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पंजाब की गल करिए बठिंडा विच 38 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। उधर गुरु नगरी अमृतसर विच अज सवेरे मीह की दस्तक ने गर्मी तो थोड़ी जी राहत दी। अमृतसर विच अज का तापमान 36 डिग्री, पटियाला विच 34 डिग्री और लुधियाना विच वध तो वध तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला विच 24 डिग्री सेल्सियस, मनाली विच 28 डिग्री और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर विच 29 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। श्रीनगर के तापमान में भी 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि मनाली में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ संदीप सिंह, जी मीडिया। तो पंजाब एट 9 विच आज लिए इतना ही, सानू दो इजाजत, धन्यवाद।